वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं धरती के सबसे खतरनाक विलुप्त जानवरों को जिंदा करने की, जो आज से करोड़ों वर्ष पहले इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। इन विलुप्त जानवरों से मिलने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। नंबर 3, सेबर टूथ टाइगर। विलुप्त जानवरों के लिस्ट में सेबर टूथ टाइगर का नाम भी शामिल है, जो देखने में टाइगर की तरह लगते थे लेकिन ये टाइगर से विशाल और खतरनाक हुआ करते थे। इनका वजन 100 से 200 किलोग्राम तक होता था। वहीं इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 13 फीट लंबे हुआ करते थे। इनका ताकतवर शरीर इस बात का सबूत था कि ये बड़े से बड़े जानवरों का भी शिकार किया करते थे। ये ऊंट और हाथी जैसे जानवरों का भी आसानी से शिकार किया करते थे। इतना है नहीं, इनके पास टाइगर की तरह दो दांत भी हुआ करते थे। आज के टाइगर के मुकाबले इनके दो दांत काफी बड़े हुआ करते थे, जिनकी लंबाई लगभग 1 फीट तक हुआ करती थी। और यही लुक इन्हें बेहद डेंजरस और खूंखार बनाता था, जिसकी सहायता से अपने शिकार को एक ही झटके में मौत के नीच सुला देते थे। हालांकि यह जानवर आज से लगभग 11,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुका है, लेकिन आज जाकर वैज्ञानिकों को इसके फसल से डीएनए निकालने में कामयाबी मिल चुकी है, जिसे लेकर इसने पुनः धरती पर वापस लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इनके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये कितने खतरनाक हुआ करते थे। नंबर 2, साइबेरियन यूनिकॉर्न। साइबेरियन यूनिकॉर्न आज से करीब 30,000 साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। इनकी लंबाई करीब 15 फीट तक हुआ करती थी। वहीं यह लगभग 6 फीट लंबे हुआ करते थे और इनके वजन की बात की जाए तो काफी चौंकाने वाला था। इनका वजन लगभग 4,000 से 5,000 किलोग्राम तक था। इसके सिर पर एक सिंह भी पाई जाती थी, जो इसे अनोखा बनाता था। साइबेरियन यूनिकॉर्न को वर्तमान में पाए जाने वाले डायनासोरस का पूर्वज माना जाता है, जो कि साइज में से कई गुना बड़े और विशाल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जानवर की प्रजाति को भी पुनः धरती पर लाया जा सकता है। नंबर 1, आयरिश शल्क। देखने में यह जानवर किसी हिरण की तरह लग रहा है, क्या यह वास्तव में हिरण है? दरअसल इस जीव की प्रजाति आज से लगभग 13,000 साल पहले इस धरती पर पाई जाती थी, जिन्हें हिरण का पूर्वज भी कहा जाता है। दूसरे विलुप्त हो चुके जानवरों की तरह आयरिश शल्क भी इस धरती से विलुप्त हो चुका है। आयरिश शल्क की लंबाई लगभग 7 फीट तक हुआ करती थी। वहीं इसके सिंगों की बात की जाए तो इनके सिंग लगभग 12 फीट लंबे हुआ करते थे। ये ज्यादातर यूरेशिया उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। इसके अलावा ये आयरलैंड में भी पाए जाते थे। साइबेरिया में भी इन जानवरों का अवशेष मिला है, जिसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि जानवर को भी पुनः धरती पर लाया जा सकता है। दरअसल आज के जमाने में मौजूद इसके करीबी प्रजातियों को देखकर यह कहा जाता है कि वर्तमान में मौजूद हिरण के साथ इसके डीएनए को यूज करके फिर से जानवर को जीवित किया जा सकता है।